नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। 18 माह पुराने मामले में मानव अधिकार आयोग के आदेश पर हुआ हत्या का केस दर्ज। 11 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। पुलिस कर्मचारी पर लगाए बेटे की हत्या के गोलमाल रिपोर्ट बनाने के आरोप। पुलिस कर्मियों को भी मिले हत्या के आरोपियों के बराबर सजा। 18 महीने तक भटकने के बाद दर्ज हुआ हत्या का मामला। मृतक के पिता ने लगाए पुलिस कर्मियों पर पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने के आरोप। बेटे की हत्या के बाद में लगातार सीएम विंडो व गवर्नेंस कमेटी, मानव अधिकार आयोग, आईजी के समक्ष लगाई अनेक शिकायतें। थाना प्रभारी ने कहा मामला दर्ज कर हो रही है जांच। आप देख रहे हैं पल पल रानिया से ओपी वर्मा की ये रिपोर्ट। प्रशासन, मानवाधिकार आयोग, सीएम विंडो, ग्रेवेस कमेटी के अलावा कहां कहां तक भटकना पड़ा और मानवाधिकार आयोग ने इसकी शिकायत पर अमल करते हुए गत दिवस 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब देखना यह है कि पुलिस इन हत्यारों तक पहुंचने में कितना समय लगाती है और उनको सलाखों के पीछे कब तक घेर डाल पाती है। इस रानिया निवासी अमर सिंह से बात करते हैं, ये अपने आप घटना जो हुई इनके बारे में बताते हैं। देखो, ये 2015 को 15-10 को मेरे बेटे की हत्या हुई और हमारे साथ बहुत बेइंसाफी हुई है। हमने कहाँ कहाँ दरखास्त नहीं लगाई जी, और पुलिस वालों ने जो आयो था किशोरी लाल, मौके पर हमने बुलाया गया और उसने हमारी कोई सुनाई नहीं करी। उसने दूसरे पार्टी वालों से पैसे लेकर रफा दफा करने की बहुत कोशिश की और कर दी उसने। और जो HSO था देशराज, और इन्होंने हमारे कुछ नहीं सुनाई करी और कहीं पर हमें बहुत दरखास्तें लगाई जी, कहाँ कहाँ नहीं भटके हम। हमारे को कोई न्याय नहीं मिला जी, मेरे को अभी तक। वहाँ पर बेटे के जो ससुराल वाले थे, उन्होंने बेटी ने उनकी जो मेरी बहू थी उसने केस किया था। 10 दिन पहले गई थी वहाँ पर, फतेहाबाद चली गई अपने माँ बाप के पास और वहाँ पर उसने केस दर्ज करवा दिया महिला सल्ज में। और वहाँ पर हमारे को बुलाया गया जी, 15-10 को बुलाया, जो 1 तारीख थी शनिवार को। वहाँ पर हमारे बेटे को वहाँ पर सुनाई कुछ नहीं हुई जी। वहाँ पर उन्होंने क्या किया जी, पहले हमारे कहते तलाक लेना है जी और हमारे से फैसला कर लो। ना फैसला होने पर हमारे बेटे को और मेरे मम्मी डैडी को बहुत मार पिटाई की, और जो पुलिस वालों ने वहाँ पर उनको छुड़वाया, और छुड़वाने के बाद कहते दीपक जहाँ मर्जी भाग ले, हम तेरे को अब नहीं छोड़ेंगे, मारे जान से मार देंगे, तेरे को छोड़ेंगे नहीं। उस दिन हम रात को 10 बजे घर पहुँचे, जो वारदात वहाँ झगड़ा हुआ महिला सेल्ज में, रात को 7:30 का टाइम था शाम को। और उसके बाद हम घर पहुँचे 10 बजे, और सुबह एक मन्नू नाम का लड़का है जो 10 वाट में रहता रानिया में, वो सुबह सुबह आ गया है, घंटा मेरे बेटे को लेकर गली में खड़ा रहा, जो कि दिन में 5-7 बार गए हैं और लास्ट में 6 बजे आए घर और बैग खड़ा करके दादा को कहता है ये चाबी लो। और उसके बाद 6:03 घर से निकले और मंडी की तरफ गए जहाँ पर वारदात हुई है। उसके बाद ये वो लेके लड़का गया है, वो लड़की वालों ने मेरे बेटे की हत्या करी। और उनका सुबह हमारे को पता लगा 3 तारीख को, 10-3 को पता लगा कि हमारा पड़ोसी एक आया तो वो कहता है कि बेटे अमर सिंह तेरा लड़का कहाँ है बड़ा। मैंने कहा पता नहीं, वो रात घर नहीं आया। और वो कहने लगा कि वहाँ पर उसको तो मारकर पेड़ियों में फेंक रखा है। जब हम सारे वहाँ गए उसके बाद हमने उसको किशोरी को फ़ोन किया, थाने में किया, 101 नंबर पर फ़ोन किया, तो वहाँ पर किशोरी लाल जो आयो था वहाँ पर बना, वो आकर उसने कार्रवाई की, जो हमारे बयान भी सही लिखे और वो सारे खिलाफ करे। और जो लड़के हुआ उसको मन्नू को भी गिरफ्तार नहीं किया, किसी को भी नहीं किया, और दूसरी पार्टी से पैसे लेकर तो सर उनको रफा दफा केस करने की कोशिश करी और कर दिया उन्होंने। धारा कोई भी लगाई थी उन्होंने जी, 174 की कार्रवाई कर दी, और 174 की कार्रवाई कर तो यहाँ पर इसको भेज दिया सरसा गए जब पोस्टमार्टम के लिए थे। पोस्टमार्टम कहते हैं यहाँ पर नहीं होता पोस्टमार्टम, ये अग्रवा भेजेंगे। जब हम अग्रवा लेके लिए उसने सारा कागज तैयार करके, तो मेरे को कहता अमर सिंह इस पर साइन करो आप। मैंने किस लिए करना है जी, तो किशोरी कहता है जी इसके लिए करना है कि वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पर पोस्टमार्टम नहीं होता। मैंने साइन कर दिया, जो कि मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, मैं मिस्त्री काम करता हूँ और मेरे को नहीं पता उसमें क्या लिखा था। जब हम IG के पास गए तो 3 महीने लग गए, और 3 महीने के बाद IG साहब क्या कहते हैं OP सिंह हिसार में, मेरे को कहते हैं कि ये आपने कत्ल तो हुआ नहीं है, अगर कत्ल हुआ होता आपने कार्रवाई क्या करवा रखी है। मैंने कहा जी हमने तो कोई कार्रवाई नहीं, हम तो कार्रवाई करवानी है। वो कहते हैं कि आपने 174 की कार्रवाई करवा रखी है और आपने ये साइन कर रखे हैं कि जब तक मधुबन से रिपोर्ट नहीं आती मैं किसी पर कार्रवाई नहीं करना चाहता। हमारे साथ ऐसे हुआ जी, सब जगह धोखा, जहाँ भी जाए हमारी कोई सुनाई नहीं हुई जी। SP को, DSP को, सब जगह हमने दरखास्तें लगाई जी, CM विंडो लगाई। 18 महीने के बाद हमारे अब सुनाई हुई जी। देखो अब देखते हैं मेरे को न्याय मिलता है कि नहीं, और जो कातिल है मेरे बेटे के
उनको सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं, कब तक पुलिस पहुंचती है, उनके पास जाती है और उनको गिरफ्तार करती है। पुलिस वालों को कार्रवाई में किशोरी और देशराज के खिलाफ उनको कहता हूं, उसको कई सजा मिलनी चाहिए, जो कातिल हैं उनके बराबर उसको भी सजा मिलनी चाहिए, वो भी उनके बराबर ही दोषी हैं, जो कत्ल किया जिन्होंने उनके बराबर दोषी ये भी हैं दो पुलिस वाले, कि उन्होंने गुमराह किया हमारे को, गलत किया सारा काम, हमारी सुनाई नहीं की और कतलों को पकड़ा नहीं है जी। रानिया के अमर सिंह ने अपने बयान बताए, उन्होंने बताया कि किस प्रकार उसके बेटे की हत्या हुई और कहां कहां उन्होंने अपनी गुहार की, पुलिस के उच्च अधिकारियों तक पहुंचे, इसके बाद सीएम विंडो में पहुंचे, इसके बाद में कष्ट निवारण कमेटी में भी इन्होंने अपनी अपील की, लेकिन कहीं भी इनको न्याय मिलता नजर नहीं आया। तो इन्होंने यह मामला मानवाधिकार आयोग में डाला, तो मानवाधिकार आयोग के आदेशानुसार रानिया पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब देखना यह है कि रानिया पुलिस इन हत्यारों को कब तक सलाखों के पीछे डालती है, और जो दोषी पुलिस कर्मचारी इन्होंने जो आरोप लगाए हैं इनको खिलाफ भी पुलिस क्या कार्रवाई करती है, अब देखना यह है, आगे आने वाला समय बताता है। तुमने जो आरोप लगाए हैं उसके बारे में थाना प्रभारी दलेराम से पूछते हैं, इनके आगे आमी कार्रवाई क्या कर रहे हैं। दीपक अरोड़ा के पिताजी अमर सिंह ने एक दरखास्त मानवाधिकार आयोग में लगाई थी, मानवाधिकार आयोग ने जांच करने उपरांत 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे, वो जो हमने आदेश अनुसार FIR दर्ज कर दी है और मुकदमे की जांच की जा रही है। रानिया से ओम प्रकाश वर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए पल पल न्यूज और लाइक कीजिए।